नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूँ विदुषी। प्रशांत सिंह सिसोदिया, ब्यूरो चीफ, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। एसडीएम द्वारा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की भी बैठक। डिंडोरी के सवनापुर में वैक्सीनेशन जागरूकता और आयुष्मान कार्ड एवं ईडीएस वितरण से संबंधित कार्य को लेकर एसडीएम महेश मंडलोई डिंडोरी ने ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट एवं सवनापुर के समाज सेवी और पंचायत के सदस्यों के साथ बैठक में वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए सुझाव मांगे कि ग्राम स्तर पर वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाया जाए। और वहीं ये भी सुझाव दिए गए कि आयुष्मान कार्ड को ज्यादा से ज्यादा बनवाने का प्रयास कैसे किया जाए। वहीं उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारी और पंचायती और मनरेगा में कार्यरत मजदूरों को वैक्सीनेशन के लिए समझाया कि वैक्सीन से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और साथ ही सबसे पहले पंचायत के कर्मचारियों को ही वैक्सीन लगवाने को बोला गया। और वहीं अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट, व्यापारी, नागरिक और कोविड नियमों को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी। ये बैठक अभी किस दिन होगी? ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी। बैठक में टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के संबंध में थी, आयुष्मान कार्ड के संबंध में थी, PDS का जो 3 महीने का राशन रखा है निःशुल्क उसके संबंध में थी, और गांव में जो भी कोविड का फीवर के पेशेंट हैं उनको दवाइयां उपलब्ध हो जाए। सर, अभी ये शिकायत हो रही है कि पॉजिटिव लोग ढूंढते हैं और दुकानदारी करते हैं, तो उसको लेकर शिकायत कहाँ दी जाए? ग्राम स्तरीय क्राइसिस समिति में ये चीज़ें कुछ आई है, अब जो इस तरह की चीज़ें आई हैं उसके बाद आई। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।